राजस्थान में जूनियर इंजीनियर जेईएन का पेपर लीक 2020 के मास्टरमाइंड पटवारी हर्षवर्धन मीणा ने राजस्थान एसओजी के सामने कई बड़े खुलासे किए। पूछताछ में हर्षवर्धन ने जेईएन के अलावा भी कई पेपर लीक करवाने और करीब 100 से ज़्यादा लोगों को एसआई और पटवारी टीचर से लेकर सरकार नौकरी दिलाने की बात कबूल की है। और अब एसओजी उन अभ्यर्थियों तक पहुंचने का प्लान बना रही है जिन्हें हर्षवर्धन ने पेपर पास करवाया था। आरपी पत्नी भी बेलोड़ा में पटवारी पद पर तैनात है जिससे अब एसओजी पूछताछ कर रही है। राजस्थान में यह गैंग पेपर लीक करवाने वाली टॉप 5 गैंग में शामिल है जिसका पूरे राजस्थान में नेटवर्क है। जेईएन भर्ती का पेपर उसने एग्जाम से 2 घंटे पहले ही लीक करवा लिया था लेकिन एक गलती चलते पेपर वायरल हो गया। छापमारी डर से हर्षवर्धन मीणा नेपाल भाग गया था और किराया कमरे लेकर वह फरारी काट रहा था लेकिन वह स्टॉपिंग करने घर से बाहर निकलते हर्षवर्धन को पुलिस ने दबोच लिया। पेपर लीक का मुख्य सरगना हर्षवर्धन मीणा ने बार बार पुलिस की रेड को देखते हुए नेपाल में जाकर एक मकान एक किराए पर लिया और वह अपने अन्य साथियों के साथ फरारी काट रहा था। मामले पर एसओजी के एडीजी ने बताया महुआ जिला दौसा निवासी हर्षवर्धन मीणा राजस्थान में पेपर लीक की सभी गैंग के साथ एक्टिव था और आरोपी पेपर लीक करवाने वाली टॉप 5 गैंग में से शामिल था। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी पेपर लीक गैंग में अधिकांश लोग सरकारी कर्मचारी है। अभी 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किए जबकि पुलिस अभी अन्य की तलाश कर रही है।